वेलकम टू ऑटोशिफ्ट्स। आज हम खड़े हैं इंडियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है टाटा हैरियर। 2018 में फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट इसका लॉन्च करा गया था। ये आप इसका 2021 का फेसलिफ्ट वेरिएंट देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आपको मिलती है। फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है। फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन फ्यूचर में लॉन्च कर सकती है टाटा। अभी रिसेंटली ही डार्क फेसलिफ्ट एडिशन भी लॉन्च करा गया है हैरियर का। उसके साथ ही साथ नेक्सॉन डार्क, नेक्सॉन ईवी डार्क और अल्ट्रोज डार्क एडिशन भी लॉन्च करा गया है। ये पार्टिकुलर वेरिएंट जो आप देख रहे हैं ये बेस से एक ऊपर वेरिएंट है, हैरियर XM। टोटल आपको 4 वेरिएंट्स में मिलती है, XE, XM, XT, XZ, जो कि XZ है जो है वो टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको XZ ऑटोमेटिक और XZ प्लस जैसे ट्रिम्स मिल जाती हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 लीटर का डीजल इंजन ही मिलता है। प्राइस रेंज की बात की जाए करंटली तो 14,30,000 से स्टार्ट होती है और 21,11,000 तक जाती है, एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। कलर्स की बात की जाए तो वाइट के साथ साथ कैमो ग्रीन, रेड, ग्रे, ब्लैक में भी मिलती है आपको। कुछ ग्लोबल मार्केट्स में इसे H5 भी कहा जाता है। पुणे में असेंबली होती है। 3 मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। D8 ऑप्टिमल मॉड्यूलर ओमेगा आर प्लेटफॉर्म पे बनी है जिसपे रेंज रोवर इवोक और रेंज रोवर डिस्कवरी भी बनी है। काफी न्यू डिजाइन दिया गया है टाटा ने। SUVs की बात की जाए तो सेकंड बेस्ट सेलिंग SUV है हैरियर टाटा की लाइनअप से। और ये है फ्रंट वाइपर्स, पोल टाइप एंटीना। हैरियर की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ। टॉप मॉडल की बात की जाए तो उसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं और आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अभी कुछ ही मंथ्स पहले इसका 7 सीटर वेरिएंट टाटा सफारी को भी लॉन्च करा गया है। और यह है इसके LED इंडिकेटर लाइट्स के साथ। नीचे है जेनॉन हेलोजन हेडलैम्प्स HID के साथ। उसी के नीचे फॉग लैंप। हेडलाइट्स का डिजाइन और हाउसिंग सेम रखी गई है बेस से टॉप वेरिएंट तक। और यह इसकी कास्केड ब्लैक ग्रिल। बीच में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। हैरियर की लैटरिन बोनट पे। आपको इसमें 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और यह है एयर डक्ट। साइड से कुछ ऐसे मिल जाती है आपको एरिया। बाकी लेंथ की बात की जाए तो 4.6 मीटर लेंथ और 1.8 मीटर हाइट आपको मिलती है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और यह है इसके 16 इंच के टायर्स व्हील कवर के साथ। 17 इंच का भी ऑप्शन होता है टॉप मॉडल में। ये इसके सस्पेंशन। ये पावर एडजस्टेबल साइड रेयर व्यू मिरर्स LED इंडिकेटर लाइट्स के साथ। मैनुअली ही आपको इसे फोल्ड और ओपन करना होता है। बाकी टॉप मॉडल में आपको एडजस्टेबल मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। और यह है बॉडी कलर डोर हैंडल्स। और यहाँ से फिल करेंगे डीजल। BS6 इंजन मिलता है आपको इसमें। रेयर व्यू कुछ ऐसा मिल जाता है आपको हैरियर का। चलिए इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। कुछ ऐसा मिल जाता है आपका बूट स्पेस जिसमें आपको टोटल 425 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और सीट फोल्ड करने के बाद आपको 810 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यह पार्सल ट्रे लगेज रखने के लिए। उसी के नीचे थोड़ी सी स्पेस। ये 2 किलोग्राम का हुक, काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको इसमें। और ये है अंदर लाइट, और ये थोड़ी सी स्पेस, और इसी स्पेस को एक्सटेंड करके टाटा सफारी को लॉन्च करा गया है अभी, जो कि काफ़ी अच्छी इन टर्म्स ऑफ सेल आप प्रोवाइड कर रही है टाटा को। और यह टूल किट्स, स्पेयर व्हील आपको इसी के नीचे मिलता है। और यहाँ पे थोड़ी आपको स्पेस मिल जाती है बंद करने के लिए। और ये है इसकी LED टेल लाइट्स, इंडिकेटर लाइट्स और रियर रिजर्व लाइट्स के साथ। ऊपर एक क्रोम प्लेट, ब्लैक गार्निश मिल जाता है आपको बीच में, जो कि स्टैंडर्ड रखा गया है टॉप से बेस तक। और ये है टाटा का लोगो, रियर वाइपर, ऊपर स्टॉप लैंप, रिफ्लेक्टर्स, रेयर सेंसर्स, बीच में आपको हैरियर की लाइटिंग मिल जाती है। आइए इसका पैसेंजर डोर ओपन करके देख लेते हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलता है। कुछ ऐसा मिल जाता है आपको इसका पैसेंजर डोर, जिसमें लेदर का कहीं इस्तेमाल नहीं करा गया है। बाकी टॉप मॉडल में आपको थोड़े थोड़े लेदर टच मिल जाते हैं डोर्स पे भी। इसमें सारी चीज़ें प्लास्टिक यूज़ करी गई है। और ये है ट्विटर, ग्रैब हैंडल क्लोज करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए। और ये पावर विंडोज़, नीचे थोड़ी सी स्पेस, ये बॉटल होल्डर, एक स्पीकर, नीचे एक लाइट। टोटल आपको इसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसा मिल जाता है आपको पैसेंजर सीट्स, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। अंदर बैठ के देख लेते हैं। और इसमें आपको 3 सीट बेल्ट मिल जाती है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है। बाकी लेदर का भी ऑप्शन है टॉप मॉडल के लिए। ये LED रीडिंग लाइट्स, बीच में थोड़ी सी स्पेस फ़ोन रखने के लिए, और उसी के नीचे आपको 2 USB चार्जिंग के लिए मिल जाता है, जो कि ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है। बैक पॉकेट्स, ड्राइवर और पैसेंजर आपको दोनों सीट्स पे मिल जाती है। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ड्राइवर, पैसेंजर्स और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी। B पिलर्स पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी टॉप मॉडल में आपको बीच में मिल जाते हैं ये AC वेंट्स। इको कोटिंग मिल जाती है आपको बीच में। और ये इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देख लेते हैं। और यह है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रेयर व्यू मिरर्स के लिए अंदर से। इसमें भी सेम आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है, चाइल्ड लॉक के लिए मिल जाता है, एक स्पीकर, नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अब 2 बॉटल आप होल्ड कर सकते हैं इसमें। और कुछ ऐसा मिल जाता है आपको इंटीरियर फ्रंट से, काफ़ी बेसिक रखा गया है, बट मोस्टली आपको सारी चीज़ें इसमें मिली हैं। और ये है ड्राइवर सीट एडजस्टेबल करने के लिए, हाइट एडजस्ट करने के लिए। और ये बोनट ओपन करने के लिए लीवर, नीचे पैडल्स। ये अंदर बैठ के देख लेते हैं आपको फ्रंट में क्या क्या मिलता है। कुछ ऐसा मिल जाता है इंटीरियर फ्रंट से। और ये आपको कुछ ऐसी मिल जाती है हैंड ब्रेक, कि मैनुअली आप एडजस्ट करेंगे। ये हैंड रेस्ट, इसमें थोड़ी सी स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, उसी के साइड में 2 USB चार्जिंग, टोटल आपको 5 USB चार्जिंग के लिए मिल जाती है। ये 2 कप होल्डर, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आगे थोड़ी सी स्पेस, उसके आगे थोड़ा स्पेस फ़ोन रखने के लिए, बाकी टॉप मॉडल में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है इसी स्पेस में। और ये है आपके एसी के कंट्रोल्स जो कि मैनुअल है, सारी चीज़ आपको प्लास्टिक की मिली है। ये 1000 लाइट्स की कंट्रोल, साइड्स में आपको ये मोड्स कंट्रोल करने के लिए और एक कूल ग्लव बॉक्स, एक लाइट मिल जाती है अंदर। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं और कुछ ऐसा मिल जाता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें बीच में आपको एक छोटी सी MID मिल जाती है 3.5 इंच की। यहाँ से आप इसमें मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या देखना है। इसमें आप ऑडोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसके अलावा RPM, स्पीड, रेंज, फ्यूल लेवल, इंजन ऑयल लेवल, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये आपका है लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, जिसमें आपको वॉल्यूम के, ट्रैक्स के, ब्लूटूथ, फ़ोन के, इन सब के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बीच में आपको टाटा की लोगो, नीचे एयरबैग की वैजिंग, टेलीस्कोपिक टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाती है आपको। और ये इसी इवेंट्स, यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट, इको, 4 लाइट्स, उसी के ऊपर एसी इवेंट्स, ब्लैक क्रोम गार्निश मिल जाती है आपको। और यह है मीडिया के कंट्रोल्स, वॉल्यूम का कंट्रोल, यहाँ से पावर ऑन ऑफ करने के लिए। और यह आपका 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा रेडियो, ब्लूटूथ, सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग, फ़ोन सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग्स। बाकी टॉप मॉडल में आपको 10.25 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, तो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स। आइए इसका बोनट ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ से ओपन होगा इसका बोनट, कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। इसका इंजन जो है 2 लीटर का क्रायोटेक DOHC CRDI टर्बो डीजल इंजन जो कि पावर डेवलप करता है 167 हॉर्स पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 50 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ 17 किलोमीटर पर आवर की फ्यूल इकोनॉमी मिलती है आपको। ऑटोमेटिक में भी आपको मिलती है टॉप मॉडल में। बाकी सेफ्टी में बात की जाए तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ABS, 2 एयरबैग, ESC और हिल होल असिस्ट मिल जाता है। बाकी टॉप मॉडल में आपको और ज़्यादा प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, एडवांस। बाकी आपको टाटा हैरियर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।